Bismillahirrahmanirrahim Assalamu Alaikum everyone Welcome to another video lecture for the students of first year class Today I am going to explain another very important topic of chapter number 7 of first year Karachi board chemistry syllabus The topic name is electrode potential In this lecture I will explain you the definition of electrode potential, important features of electrode potential, and furthermore, we will discuss about standard hydrogen electrode potential, zinc electrode potential, and copper electrode potential. This complete topic is a very important topic for the examination point of view. Let's start the lecture. First of all, what do you mean by electrode potential? the word potential mean hidden stored but in this case electrode potential ka matlab ye hai ki the potential difference yani yahan par koi potential difference involve hai sabse pehle dekhte hain ki define kaise karenge electrode potential ko electrode potential की definition में कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि the potential difference created between a metal and इट्स इन इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी किसी भी मेटल और उसके आइन के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है जहां जो इलेक्ट्रोड है वो कोई मेटल है क्लियर तो इस तरह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड और मेटल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन वज इट मीन्स इट मीन दैट किसी भी मेटल या इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी को मेजर करना किस चीज की टेंडेंसी को मेजर करना इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमें किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने की टेंडेंसी मेजर कर सकते सो देट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी मेटल के मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करने की क्या है कितनी है हमें इस टॉपिक से पता चल सकता है मजीद कोई भी मेटल जो है वो अपनी टेंडेंसी के मुताबिक या तो ऑक्सीडेशन कर सकता है या रिडक्शन कर सकता है देखिए वेन अ मेटल एम इज प्लेस्ड इन अलूशन कंटेनिंग इट्स ओन आइन्स एम एन प्लस then the metal may undergo either oxidation or reduction due to its tendency. And yani this metal ki apni tendency hai, ability hai ke wo apne ions mein oxidation karega ya reduction karega. Ye depend karta hai us metal ki nature par. Clear? लेकिन जब oxidation करेगा तो उस वक्त का जो potential होगा वो कुछ और होगा उसे कुछ और कहा जाएगा और जो रिडक्शन करेगा तब उसके पोटेंशियल को कुछ और कहा जाता है जैसे इफ द मेटल एम अंडरगोज ऑक्सीडेशन यानी कोई भी मेटल अगर ऑक्सीडेशन करता है देन द पॉजिटिव मेटल आइन्स में पास इन टू द सोल्यूशन यानी ऑक्सीडेशन कैसे करेगा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन के एक मीनिंग को यूं भी कहा जाता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना ये एक मेटल है कोई भी इस मेटल ने क्या करा इलेक्ट्रॉन को लूज किया जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये अपने आइंस में चेंज हो गया एम एन प्लस पॉजिटिव आइन में चेंज हो गया यानी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर पहले जीरो था और अब उसका ऑक्सीडेशन जो है वो एन प्लस हो गया तो अगर कोई मेटल ऑक्सीडेशन करेगा तो पॉजिटिव आइन जो है वो सोल्यूशन में चले जाएंगे और मेटल पर खुद कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज ठीक है और इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि मेटल जो है इसके ऊपर पहले जीरो ऑक्सीडेशन नंबर था जब इसने आय इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो इस मेटल ने ऑक्सीडेशन किया हम ऑक्सीडेशन जब भी कोई मेटल ऑक्सीडेशन करता है तो उससे बनने वाले पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं और उसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है इलेक्ट ई फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एम मेटल था और उससे क्या बना एम एन प्लस यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन को दिखाया गया तो अगर कोई मेटल ऑक्सीडेशन करेगा तो उसका पोटेंशियल उस वक्त ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे क्रिएट हुआ ये जो मेटल था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया उस नेगेटिव चार्ज ने क्या करा सॉल्यूशन के पॉजिटिव आइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया इस तरह यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं क्लियर अगर मेटल जो है वो रिडक्शन का प्रोसेस कर द नेगेटिव आइन मे गेट डिपोजिटेड ओवर द मेटल यानी जब रिडक्शन करेगा तो रिडक्शन में क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर कम होना रिडक्शन में क्या हुआ कि जो सोलूशन के अंदर मौजूद मेटल का आइन था एम एन प्लस वो मेटल की तरफ अट्रैक्ट हुआ यानी मेटल के ऊपर अब क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव उस पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से जो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर निकल गए जिसकी वजह से यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और इसे हमने कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इस इक्वेशन को देखिए लिखते हैं कि एम एन प्लस आइन एम एन प्लस आइन से मिला सोल्यूशन से वो इलेक्ट्रॉन कहां से मिले आपको इलेक्ट्रोड से और इन्होंने मिलकर रिडक्शन के प्रोसेस से मेटल एम बना लिया यानी बनाने का मकसद पे यही है कि जो आपके पास मेटल था उसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव आ गया और उसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज आके कलेक्ट हो गए जमा हो गए और इस तरह पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोड यानी मेटल की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने की क्या टेंडेंसी है कितनी टेंडेंसी है यह हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मिल जाता है ठीक है क्लियर है तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में किस तरह ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है यानी या तो मेटल ऑक्सीडेशन करेगा या मेटल रिडक्शन करेगा यही दो प्रोसेस हैं जो मेटल कर सकता था जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम जब मेजर करते हैं तो वो यहां पे क्या लाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर यहां पर जो पोटेंशियल हमें मिलेगा जाहिर बात है कि रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो पोटेंशियल कौन सा होगा रिडक्शन पोटेंशियल जो कि हम इस तरह से लिखेंगे क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी का जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसे शॉर्ट फॉर्म में एस एच ई या शी लिखा जाता है एग्जाम में इसका भी एक क्वेश्चन बनता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्क्राइब करें ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है नाम से पता चल रहा है कि चलिए हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाएंगे हम लेकिन स्टैंडर्ड का वर्ड क्यों लिखा स्टैंडर्ड का क्या मतलब है स्टैंडर्ड धती किसी कंडीशन को कह रहे होंगे स्टैंडर्ड की जो कंडीशन है उसका मतलब क्या है के कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या होनी चाहिए वन मोलर प्रेशर जो है वो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर शुड बी ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस यानी अंडर दीज कंडीशन जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप बनाएंगे वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा यहां हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्कस करना है ठीक है इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज अ गैस आइन इलेक्ट्रोड यानी ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये गैस आइन इलेक्ट्रोड है इसमें गैस क्या है हाइड्रोजन गैस आइन क्या है हाइड्रोजन आइन क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आइन को ही यूज किया गया क्लियर ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज किया जाता है जो कि आई ने सेट किया था किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मालूम करने के लिए इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रेफरेंस माना जाएगा तो आई ने यह रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के तौर पर सेट किया इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्लियर नेक्स्ट क्या कहते हैं कि इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की यह खूबी है कि इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल यानी ये किसी रिएक्शन में किसी जगह पर ये एनोड के हाफ सेल के तौर पर भी एड कर सकता है यानी एज एन एनोड भी यूज हो सकता है और एज ए कैथोड भी यूज हो सकता है यानी हम इसे दोनों तरह से यूज कर सकते हैं लेकिन जाहिर बात है कि जब एनोड के तौर पर यूज करेंगे तो फंक्शन कुछ और बन जाएगा प्रोसेस कुछ और हो जाएगा और जब कैथोड के तौर पर यूज करेंगे तो प्रोसेस कुछ और बन जाएगा देखते हैं इसके बारे में आगे कहते हैं कि इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी जीरो क्योंकि ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया था आई ने तो इसलिए इसके रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या कह दें कि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जीरो एज्यूम किया गया यानी इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जीरो है अब रिडक्शन पोटेंशियल क्यों लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों लिख रहे हैं कि ये रिडक्शन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन के तौर पर भी यूज किया जा सकता है यानी ये जो हम एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल के तौर पर यूज करवा रहे थे उसमें रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा क्लियर है इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास देखिए किस तरह से कंस्ट्रक्शन की जाती है इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लाटीनियम वायर इन एन इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब एक प्लेटिनियम वायर को ग्लास ट्यूब में आपने हैंग किया ये देखें ये जो वायर है ये आपको नजर आ रहा है ये एक प्लेटिनियम वायर है जो यहां तक ये नीचे बुरा जा रहा है हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू द ट्यूब एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर हाइड्रोजन गैस को इस इनलेट से पास किया जा रहा है वन एटीएम प्रेशर पर अब प्लेटिनियम फॉइल ये है प्लाटीनियम फॉइल जो यहां पर लगी हुई है प्लेटिनियम फॉल इज अटैच एट द एंड ऑफ द वायर द इलेक्ट्रोड इज इमर्ज इन वन मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस लेकिन आप देखें कि कंसेंट्रेशन क्या है वन मोलर और प्रेशर कितना है वन एटीएम और टेम्परेचर कितना रखने को कहा उन्होंने ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस यानी स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई किए ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी फिर उसमें होता क्या है कि जब हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्लेटिनियम जो है वो एब्जॉर्ब भी करता है एडजॉर्ब भी करता है तो प्लेटिनियम एडजॉर्ब हाइड्रोजन गैस ऑन इट्स सरफेस एंड द प्लेटिनियम कोटेड विद हाइड्रोजन बिहेव एज इट वर मेड एंटायरली ऑफ हाइड्रोजन यानी यहां पर क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो एड्सॉर्ब हो जाती है यानी इस पर जमा हो जाती है और फिर ऐसा लगता है कि यहां पर प्लेटिनियम है ही नहीं बल्कि सिर्फ हाइड्रोजन है इस तरह हमें यहां पर हाइड्रोजन डिपोजिट होकर मिल जाती है और जो यहां पर डिपोजिट नहीं होती वो गैस की सूरत में यहां से जो बबल नजर आ रहे हैं आपको वो गैस की सूरत में यहां से बाहर निकल जाती है ठीक है इस तरह हम एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं फिर लिखते कैसे हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सी इज रिप्रेजेंटेड एज प्लेटिनियम मेटल था उस पर हाइड्रोजन एटम को पास किया वन एटमोस्फेरिक प्रेशर से और हाइड्रोजन आइन आपको सोल्यूशन वन मोलर सोल्यूशन से मिला ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डेजिग्नेट कैसे किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डेजिग्नेटेड एज ई नॉड ई नॉड जो है ये ऊपर लगाते हैं ये जो है आपके पास सिंबल है इसे रिप्रेजेंट करने का अब हमने पढ़ा था कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एनोड के तौर पर भी एक्ट कर सकती है और कैथोड के तौर पर भी अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एक, एनोड के तौर पर अगर यूज करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा कैथोड के तौर पर यूज करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा ठीक है कहते हैं इन अ सेल व्हेन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एक एनोड इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिटेन एज दिस एनोड के तौर पर एक्ट कर रही है कौन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो वहां ऑक्सीडेशन का हाइड्रोजन गैस के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जीरो तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया हाइड्रोजन आयन में तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन आ गया बढ़ गया यानी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया यानी हाइड्रोजन गैस जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगी हाइड्रोजन आइन बनाएगी तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के तौर पर एक्ट कर रही ठीक है क्लियर है फिर अगर ये हाइड्रोजन जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये कैथोड के तौर पर एक्ट करेगी तो रिएक्शन देखें क्या होगा फिर रिडक्शन का और उसमें यहां क्या होगा कि हाइड्रोजन जो आइन जो है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना लेगा इस तरह से रिडक्शन का प्रोसेस फॉर्म हो जाएगा तो हमें यह पता चला कि जब भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के तौर पर एक्ट करती है तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और कैथोड के तौर पर जब एक्ट करती है तो रिडक्शन का प्रोसेस होता है क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों इसके अलग अलग होंगे डिफरेंट वैल्यूज होंगी नहीं क्योंकि है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही तो जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होगा तो हम ये कहेंगे कि लिखें कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखें या रिडक्शन पोटेंशियल लिखें तो एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया यूनिफॉर्मिटी के लिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के तौर पर लिखना चाहिए यानी जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमेशा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के तौर पर लिखते हैं इसको इन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया ठीक है लेकिन हमें पता है कि जितना रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा मगर अपोजिट डायरेक्शन में क्यों क्योंकि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ प्रोसेस आर अपोजिट टू ईच अदर तो जो वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की होगी वही वैल्यू इनवर्स में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी होगी ठीक है इज दट क्लियर ये नॉलेज आपको याद करनी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जिसमें आपने उसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है और उसके बाद इसके दोनों तरीके बताने हैं कि इसे हम एनोड के तौर पर एक्ट कैसे करेंगे कैथोड के तौर पर एक्ट कैसे करेंगे और ये जो आपके पास कंडीशन है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है ये आपको याद रखना है यहां पर ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एग्जाम में इसका भी क्वेश्चन डिस्क्राइब करने का डिस्कस करने का बनता है कि जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्कस करें उसकी वैल्यू बताएं कितनी होगी सबसे पहले देखते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा कैसे वेन जिंक इज प्लेस इन अल्यूशन ऑफ वन मोलर जिंक सल्फेट देखिये यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा जिंक सल्फेड जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जिंक क्या करता है जिंक अपने सॉल्ट सोल्यूशन में जब डिप करते हैं प्लेस करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है द इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड इन द प्रोसेस एकट ओवर द सर्फेस ऑफ मेटल मेटल इज नेगेटिवली चार्ज ठीक है यानी मेटल ने क्या करा मेटल ने ऑक्सीडाइज किया अपने आप को यानी इलेक्ट्रॉन लिबरेट किए वो इलेक्ट्रॉन जो थे वो मेटल की सरफेस पर आ गए जिसकी वजह से मेटल इज नेटिवली चार्ज नाउ द नेगेटिवली चार्ज मेटल अट्रैक्ट द पॉजिटिव आइन फ्रॉम द सोलूशन सोल्यूशन से पॉजिटिव आइन को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा एक डबल लेयर बन जाएगी मेटल की सरफेस के करीब यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और हम ये कहेंगे कि यह बन जाएगा जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब ये मालूम कैसे करेंगे इसको मालूम करने के लिए हमें जाहिर बात है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल साथ में लगाना पड़ेगा ये देखें इसकी कंस्ट्रक्शन की डायग्राम है इस कंस्ट्रक्शन की डायग्राम में देखें हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाए गए हैं ये आपके पास जो लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वही डायग्राम देखने नजर आ रही है यहां पे आपको फिर जो राइट साइड वाला है ये देखें ये जिंक इलेक्ट्रोड है जिसे डिप किया गया है जिंक सल्फेट सोलूशन में ठीक हो गई बात अब देखें यहां पर उन्होंने एक सॉल्ट ब्रिज यूज किया है ये सॉल्ट ब्रिज क्या है टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ वोल्टाइक सेल मेड अप ऑफ जिंक एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सॉल्ट ब्रिज इज मेड ऑफ पोटासियम क्लोराइड जेली विच सर्किट बिटवीन हाफ सेल एंड प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन यहां जो ये सोल्ट ब्रिज है ये इसका फंक्शन क्या है ये दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एक तो सर्किट को कम्प्लीट कर रहा है पूरा ठीक है दूसरा इन दोनों सोलूशन को आपस में मिक्स होने से प्रिवेंट कर रहा था ठीक होगी बात क्लियर है ये इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन थी अब कंस्ट्रक्शन में हुआ क्या मेटल जो था जिंक का ये क्या बन जाएगा ये नेगेटिवली चार्ज हो गया तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डिपोजिट हो गए थे इस जिंक इलेक्ट्रोड पर तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे टूवर्ड्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी वजह से करंट का फ्लो जो है हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा ठीक है जब हमने यहां पर वोल्ट मीटर लगाया वोल्ट मीटर लगाने के बाद देखा कि द वोल्ट मीटर रीडिंग गिव्स द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल टू बी जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट यानी यहां पर जब हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान आपने कोई वोल्ट मीटर लगाया वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना तो उसने हमें वैल्यू दी 0.76 0.76 वोल्ट वोल्ट अब ये ये जो वोल्ट वैल्यू मिल रही है ये इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है अब आप सोचिए कि हाइड्रोजन का तो पोटेंशियल हमने क्या सपोज किया था जीरो वोल्ट तो ये जो 0.76 वोल्ट आंसर आया वो किसका बन जाएगा जिंक का ठीक है सिंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जीरो वोल्ट पोटेंशियल हेन्स जीरो पॉइंट सेवन वोट सेवन सिक्स वोल्ट इज द पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड ठीक है इज दैट क्लियर कहते हैं इन एन एक्सटर्नल सर्किट इट इज ऑब्जर्व दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम जिंक टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने आपको पहले बता दिया कि जिंक पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ गया था इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो फ्लो कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ इस तरह करंट का जो फ्लो हमें मिला एक्सटर्नल सर्किट में वो जिंक टू हाइड्रोजन मिलेगा क्लियर आगे इसका रिएक्शन भी बताना है मजीद आगे देखते हैं हैं क्या कहते इट इज बिलीव दैट जिंक इज एनोड एंड इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्लियर है ये बात बाद, बाद में बता चुका हूं पहले भी आपको अब क्या कहते हैं कि सिंस मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड देयरफॉर इट्स ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट पहली बात है ऑक्सीडाइज हुआ था जिंक तो लिहाजा वहां जो पोटेंशियल मिला हमें वो क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दस द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक विल बी माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट आप जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं मगर अपोजिट तो अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट है स्टैंडशियल तो क्या होगा माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स इज दैट क्लियर आगे बता दिया उन्होंने कि नेगेटिव साइन दैट एक्चुअली द रिएक्शन एट जिंक इलेक्ट्रोड अकर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट इज इज इट ऑक्सीडेशन देन रिडक्शन विच अकर्स एट जिंक यानी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव इसलिए आया कि वहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा था तो रिडक्शन उसका अपोजिट होता है इसलिए हमने यहां पे माइनस साइन देखा इज इट क्लियर आगे देखते हैं इक्वेशन बताइए इसकी लिखकर दिखा दी कि जिंक जो था वो ऑक्सीडाइज हुआ तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और ये ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें कितना मिल गया 0.76 वोल्ट फिर रिएक्शन टेक प्लेस एट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर कौन सा प्रोसेस होगा जब यहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा था तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे कौन सा प्रोसेस होगा रिडक्शन का ये देखिए हाइड्रोजन आयन जो था वो चेंज हो गया हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद और क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होता है लिहाजा हमने आगे लिख दिया कि जीरो वोल्ट फिर पूरा सेल रिएक्शन जब हमें लिखकर दिखाना होगा तो हमने इन दोनों हाफ सेल इक्वेशन को एड किया एड करने के बाद हमने देखा कि जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो कुछ इस तरह की थी ये है कंप्लीट इक्वेशन पूरे सेल की जो दोनों हाफ सेल्स को मिलाकर कंप्लीट हुई इस तरह जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस टॉपिक में डायग्राम के साथ लिखनी होती है बनानी होती है क्लियर है चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं आखिरी टॉपिक है आज के लेक्चर का जिसका नाम है कॉपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब अगर आपने जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अच्छी तरह समझ लिया है कॉपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा वो देखिए कैसे जब हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर के मेटल को प्लेस करेंगे देखिए कैसे वेन कॉपर इज प्लेस इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट द कॉपर आइन्स इन द सॉल्यूशन गेट डिपोजिटेड ओवर द मेटल एंड मेटल बिकम पॉजिटिवली जिंक वहां पर नेगेटिवली चार्ज हो रहा था यहां कॉपर जो है वो क्या हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है यानी ये कॉपर जो है यहां पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद ये सल्फेट आइन्स में से जो सोल्यूशन था उस नेगेटिवली चार्ज आइन सल्फेट आइन्स थे उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और फिर दोबारा यहाँ पे डबल चार्ज लेयर फॉर्म हो जाती है जिसे हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ठीक है यानी इस तरह से कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है डायग्राम इसकी देखें डायग्राम बिल्कुल सिमिलर है सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पर यहाँ जो आपके पास ये जो बीकर था ये जो आपके पास अपरेटर्स था इसमें हमने यहाँ पर जिंक के बजाय कॉपर मेटल यूज किया और यहां जिंक सल्फेट के बजाय कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यूज करना है ठीक है अब हमने ये देखा कि जब हम फॉर्म करना चाहते थे कंस्ट्रक्शन देखी तो कैसे बनेगी टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ वोल्टाइक सेल मेड अप ऑफ कॉपर एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सोल्ट ब्रिज इज मेड ऑफ कोटाशियम क्लोराइड जेली कम्प्लीट द सर्किट बिटवीन हाफ सेल एंड प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ सोलूशन ये सब चीजें वैसी की वैसी की थी क्लियर है फिर जब हमने यहां पर वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्ट मीटर से हमें क्या वैल्यू मिली देखिए जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट अब वही वो बात जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट जो आया है ये तो इन दोनों के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस है अगेन जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के दरमियान का है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो आप जानते हैं कि जीरो वोल्ट था तो लिहाजा ये जो जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट आपको मिला है ये कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ठीक होगी बात फिर हमने देखा कि इन एन एक्सटर्नल सर्किट इट इज ऑब्जर्व दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम हाइड्रोजन टू कॉपर इलेक्ट्रोड देखिए आपने यहां पे देखा कि कॉपर इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जब कॉपर इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज होगा जो उसका फ्लो जो है हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि वो हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ होगा ठीक है क्लियर है ये बात आगे देखते हैं हमने क्या लिखा हमने ये देखा कि दस इट इज बिलीव डेट कॉपर इज कैथोड एंड इज पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फिर सिंस मेटल इज रिड्यूस देयरफॉर इट्स रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी वोल्ट क्योंकि देखे यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हुआ था तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने लिखा कितना वोल्ट तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका अपोजिट वोल्ट नेगेटिव साइन शोज वही रीजन है कि अपोजिट काम हो रहा है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गई इक्वेशन देखिए किस तरह से लिखी कॉपर आयन था इलेक्ट्रॉन गेन किया कॉपर मेटल में चेंज हो गया यानी यहां से रिड्यूस हो गया तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना मिला 0.34 वोल्ट फिर रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अब पहले के मुकाबले में डिफरेंट प्रोसेस हुआ वो देखिए क्या क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा था तो यहाँ पे क्या होगा फिर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हाइड्रोजन गैस जो थी वो हाइड्रोजन आयन में चेंज हुई इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वोल्ट ठीक फिर हमने पूरा सेल रिएक्शन दिखाना था दोनों इक्वेशन को हमने एड किया तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो कुछ इस तरह की थी कॉपर आइन प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस हाइड्रोजन आइन इस तरह हम कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आसान है नहीं समझ आता वीडियो दोबारा रिपीट करके देखे इनशाला उम्मीद है कि समझ आ जाएगा कीप वॉचिंग माई वीडियोज थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज